हे हाई गाइज टू डे आई एम बैक अगेन विद आयल्स राइटिंग टिप दैट मेनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज विद वेयर वी कैन यूज मेक एंड वेयर वी कैन यूज़ डू सो हेयर इज़ द रूल मेक इज़ ऑलवेज यूज वैन यू आर डूइंग द न्यू थिंग्स जब भी कोई आप नई चीज़ शुरू करें तो आप यूज़ करते हो वर्ड मेक का और डू जो कोई टास्क ऑलरेडी चल रही होती है और उस टास्क और एक्टिविटी के लिए आप यूज़ करते हो किसी टास्क और एक्टिविटी के लिए आप यूज़ करते हो डू सो दिस इज़ द रूल फॉर दैट मेक और डू का ओके okay? नई चीज़ के लिए नई चीज़ जो हो रही है उसके लिए आप मेक यूज़ करोगे और डू के लिए आप क्या करोगे टास्क के लिए किसी भी टास्क के लिए सो नाउ लेट्स गैट मेक द सम सेंटेंसेस सो वेरी फर्स्ट है आपका जैसे मे अ डैश अ मेस मेक अ मेस डू अ होमवर्क बिकॉज जो होमवर्क है वो आपका क्या है एक जो होमवर्क है जो आपका वो है क्या है आपका एक्टिविटी एक्टिविटी के लिए हम क्या यूज करते हैं एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं डू राइट एंड नेक्स्ट है आपका ब्रेकफास्ट डैश ब्रेकफास्ट सो डैश ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट क्या है आपका नई थिंग है नई चीज़ बना रहे हो आप तब कह रहे हैं मेक अ ब्रेकफास्ट एंड अगला है आपका माई स्किन केयर सो माई स्किन केयर क्या है वो आपकी एक्टिविटी है एक्टिविटी के लिए आप क्या यूज़ करते हैं डू सो डू माई स्किन केयर नेक्स्ट आपका क्या है ए डिसीजन तो एक डिसीजन के लिए आप क्या यूज़ करते हो डिसीजन क्या है वो आपका नई चीज़ है नया डिसीजन राइट सो आप यूज़ करें मेक मेक डिसीजन तो नेक्स्ट आपका क्या है द लॉन्ड्री ये आपके लिए लॉन्ड्री के लिए आप क्या यूज करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ आई विल गिविव यू द मार्क्स फॉर दैथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है फ्री मेरे साथ देन आपको करना है क्या है डूब्सक्राइब दिस चैनल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट थैंक यू सो मच फॉर वेरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थ्रू द एंड